गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सीएसपी इंस्टीट्यूट। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेनेटिक एल्गोरिदम फॉर रिइंफोर्समेंट लर्निंग। सो रिइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर जेनेटिक एल्गोरिदम क्या है? मोस्ट बिगिनर्स इन मशीन लर्निंग स्टार्ट्स विद लर्निंग सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स सच एज क्लासिफिकेशन हो गई, रिग्रेशन हो गया। It is an aspect of machine learning where an agent learns to behave in an environment by performing certain actions and observing the rewards or results which it gets from those actions. In reinforcement learning की जब हम बात करें, we gives the machine a few input and actions. RL के अंदर हम machine को कुछ input देते हैं और एक्शंस देते हैं, बेसिकली कौन कौन से एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, एंड देन रिवॉर्ड देम बेस्ड ऑन द आउटपुट। जो भी आउटपुट आएगा उस आउटपुट के हिसाब से हम उनको रिवॉर्ड भी देते हैं, ठीक है। ये आरएल के अंदर, सो रिवॉर्ड मैक्सिमाइजेशन इज द एंड गोल। हमारा जो एंड गोल है वो है रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिवॉर्ड is our end goal. It is just like a little baby, छोटा सा baby है who knows nothing at first. देखो हम करते हैं ना कई बार कि उसको कुछ नहीं पता और फिर बाद में हम कुछ कुछ hint देते रहते हैं, जो भी वो output देते हैं उस हिसाब से हम उसको reward देते हैं. So at first is left alone in an environment and then after a little understanding tends to know things around itself. वो अपने आप पता कर लेता है फिर बाद में, धीरे 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 धीरे, ठीक है। Here we are just going to build an algorithm based on genetic mutation of population when attached by a virus. So suppose हम एक ऐसी algorithm बना रहे हैं genetic mutation की on the based on genetic mutation के आधार पे अपन एक ऐसी algorithm बना रहे हैं एक population की. So जब एक virus attack किया गया, जब कोई भी virus अटैक हो रहा, वायरस हैज बीन अटैक्ड, ओके, इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ आवर पॉपुलेशन, जो पहली जनरेशन है पॉपुलेशन की, ओनली अ फ्यू फिटेस्ट वंस विल एबल टू सर्वाइव। सो जनरेशन जीवन के अंदर जो सबसे ज्यादा फिट है वो ही सर्वाइव कर पाएंगे, वेयर एज द जनरेशन विल पास, जैसे जैसे जनरेशन पास होती जाएगी, G2 जनरेशन आएगी, G3 आएगी, है ना, ऐसे ही आएगी न्यू जनरेशन, ठीक है। वो जो नई जनरेशन आएगी वो मोर स्ट्रॉन्गर होगी कंपेयर टू G1, मोर स्ट्रॉन्गर जनरेशन, ठीक है, जो कि वायरस के अगेंस्ट अपने आप को बचा पाएगी कंपेयर देन उनके जो एंसेस्टर्स थे वो नहीं बचा पाए। आज जो कोरोना है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो फर्स्ट जनरेशन थी, वो इतनी ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाई, लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है वो कोरोना को सरवाइव कर जाएगी आसानी से, क्योंकि वो जो हमारे अंदर जो म्यूटेशंस थे वो उनके अंदर अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। वो उनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन होता है ना, वो उनको मतलब और कैपेबल बना देंगे सर्वाइव करने के। सो इट इज द बेसिक एल्गोरिथम विच जस्ट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ दीज थिंग्स वर्क्स, वो कैसे वो चीजें काम करती है, वो हमें एक बेसिक आइडिया बन गया, मिल गया। एनी वन विद द बेसिक नॉलेज ऑफ पाइथन एंड सम लाइब्रेरीज लाइक नमपाई, मैटप्लॉटलिब एक्सेट्रा कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस कोड विच आई विल टेल यू इन आवर अपकमिंग सेशन। दिस इज जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन एंड टू प्रोवाइड द सरफेस लेवल नॉलेज अबाउट रिइंफोर्समेंट लर्निंग। सो In this program, we will define three main functions in order to generate the next generation of the population, which is genetically more powerful than the previous one. ठीक है? So, G1, G2 is more genetically powerful than G1 and G3 is more genetically powerful than G2. So, हम एक ऐसी next generation का निर्माण करेंगे जो कि अपनी previous generation से ज़्यादा strong हो। तो जो तीन function है हमारे पास में, वो है, पहला फंक्शन तो है पॉपुलेट, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा, इट इज यूज्ड टू जनरेट द पॉपुलेशन एंड देन अपेंडिंग इट टू द लिस्ट, न्यू लिस्ट। हम
एक नई जनरेशन बनाएंगे और उसको जनरेशन जनरेट करेंगे पॉपुलेशन को, और उसको अपेंड करते जाएंगे लिस्ट के अंदर। दिस द फंक्शन एक्सेप्ट द एट्रीब्यूट लाइक नंबर ऑफ फीचर्स इन द पॉपुलेशन एंड द साइज ऑफ इट। सो इसके अंदर एज ए इनपुट जाएगा जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं पॉपुलेशन के अंदर की, कौन कौन से फीचर होने चाहिए, ठीक है। फिर साइज ऑफ इट, उसकी पॉपुलेशन की साइज कितनी होगी। फिर अगला है रिडक्शन। अगला जो फंक्शन है वो है रिडक्शन। दिस फंक्शन इज यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड अलाउज ओनली द 100 मोस्ट फिटेस्ट वन टू सर्वाइव। हम सिर्फ 100 तक सम्मिलित हो जाएंगे, मतलब अपने आप को संकुचित कर लेंगे 100 तक, कि भैया सिर्फ 100 जो फिटेस्ट लोग हैं वही सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। दीज फिट वंस विल बी द वंस यूज टू जनरेट द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द पॉपुलेशन। देखो भाई, एक मान लीजिए जनरेशन फर्स्ट के अंदर एक वायरस आया, कोरोना वायरस, उसमें हजारों की जनसंख्या में से 100 ही बचे। अब जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो इन 100 से ही तो बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये 100 थे, ये स्ट्रॉन्गेस्ट थे। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, क्योंकि वो इनसे बनी है, वो भी स्ट्रॉन्गर होगी, ठीक है। एक आपने थ्योरी सुनी होगी फिटेस्ट सर्वाइव की, तो वो ही थ्योरी यहाँ पर है। फिर है क्रॉस। क्रॉस फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द वंस दैट आर लेफ्ट इन ऑर्डर टू जनरेट अ होल न्यू जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन विच विल बी मच मोर इम्यून टुवर्ड्स द वायरस। तो अब इन 100 के बिटवीन ही क्रॉस हाइब्रिडिंग होगी, जो कि रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर नए बच्चे नई जनरेशन को पैदा करेंगे, ठीक है। सो नाउ आई विल शो यू द कोड पार्ट, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक न्यू फाइल बना लेते हैं, न्यू नोटबुक, ठीक है। यहाँ पर हमने कोड डाला, पहले तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर बाद में इसको एक एक करके समझेंगे, ठीक है। रन करवाया, पहली जनरेशन आई, फिर रन करवा, फिर इसको रन करवाया एक और बार, ये दूसरी जनरेशन, ठीक है। सो जनरेशन टू, इसी तरीके से फिर से रन करवाऊंगा, तब एक और जनरेशन आएगी। मतलब जीन्स, अलग अलग जीन्स के ऊपर अलग अलग जनरेशन आ रही है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग जनरेशन हमारी आती रहेगी, ठीक है। तो चलो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने मैटप्लॉटलिब और नमपाई को इंपोर्ट कर लिया। इससे हमने क्या किया, स्पेसिफाई द साइज फॉर ईच एंड एवरी मैटप्लॉटलिब प्लॉट ग्लोबली, उसको स्पेसिफाई कर दिया उसकी फिगर और फिगर साइज को 8 और 6 के अंदर, ये फंक्शन यूज करके। डिफाइंड लिस्ट ऑब्जेक्ट्स विद रेंज ऑफ ग्राफ। सो X1 की रेंज -100 से लेकर 100 तक, और X2 की रेंज -100 से लेकर 100 तक रेंज भी कर दी। अब हमने एक पॉपुलेशन बनाया, एम्प्टी जो पॉपुलेशन है उसको, और अब हमने ये पॉपुलेट जो फंक्शन है वो डिफाइन किया। तो इसके जो फीचर्स हैं, जो भी हम फीचर्स देंगे, और साइज है, साइज मान लो कि 1000 की संख्या में चाहिए, तो इनिशियल जो पॉपुलेशन है उसकी वो जाएगी ये। अब साइज के अकॉर्डिंग अपन वो चला लेंगे फॉर दिस इन ये, ठीक है। एंटाइट एंटिटी हमने कर दी फॉर फीचर्स, जितने फीचर्स है फीचर्स के अंदर। सो वैल्यू इक्वल टू एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंडिट, ठीक है। हम क्या करते गए, मल्टीप्लाई करते गए उसके साथ में, रैंडम इंट के साथ में फीचर्स को। सो दिस स्टार फीचर वेरिएबल पैक अनपैक अ लिस्ट और टपल इनटू पोजिशनल पोजिशन आर्ग्यूमेंट। ये जो स्टार फीचर है वो वेरिएबल को अनपैक कर देता है एक लिस्ट और टपल्स को पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में। तो हमारे पास में जो ये फीचर आए थे, इन लिस्ट को हमारे पास में पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में आ गया, और आर्ग्यूमेंट में आने के बाद में हमें कोई एक रैंडम, हमें इस रैंडम चाहिए इनमें से, तो उसकी वैल्यू ले ली और उसके अंदर से हमने उसको अपेंड करवा दिया एंटिटी के अंदर। और फिर इसके बाद में
इसको अपेंड करवा दिया हमने इनिशियल के अंदर, इस इनिशियल पॉपुलेशन के अंदर हम अपेंड करवाते गए, और लास्ट में इसको अरे के अंदर कन्वर्ट करके इनिशियल को हमने भेज दिया। तो ये हमारी फाइनल पॉपुलेशन आ गई। ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको कन्वर्ट कर दूँ मैं, फाइनल इक्वल टू इनिशियल, इनिशियल फाइनल इक्वल टू इनिशियल, और यहाँ इनिशियल की जगह मैंने फाइनल रिटर्न कर दिया। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा समझने वाला काम हो गया। तो रेंडमली हमने उठा लिए वेरिएबल, मतलब जो भी फीचर्स थे वो रेंडमली उठाकर हमने इसके अंदर अपेंड करते गए, एंटिटी के अंदर, सॉरी एंटिटी के अंदर अपेंड करते गए, और फिर इस एंटिटी को भी हमने अपेंड करते गए इनिशियल के अंदर। तो मतलब एक एंटिटी के अंदर कितने फीचर्स होंगे, कितने फीचर्स होंगे उनको हमने रेंडमली इसके अंदर अपेंड करवाते गए हर एक फीचर्स के आधार पे, और फिर बाद में हर एक उसके उस एंटिटी को पॉपुलेशन के अंदर ऐड करते गए। मतलब एक एंटिटी बन गई, उसको उस पॉपुलेशन के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने डिफाइन किया एक वायरस इन फॉर्म ऑफ नंपाई अरे। ये एक वायरस है हमारा इन फॉर्म ऑफ नंपाई अरे। फिटनेस हमने एक पॉपुलेशन के ऊपर, और वायरस और साइज भेजी, हमें साइज चाहिए 100 की। तो हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ये वाली पॉपुलेशन, इसके अंदर हमने फंक्शन कॉल कर देंगे। हमने फॉर इंडेक्स एंटिटी, इन इंडेक्स और एंटिटी है जो भी इस इन्यूमरेटेड पॉपुलेशन के अंदर, हम दोनों ही वो चीज़ें लेते आएंगे, उसके इंडेक्स और एंटिटी दोनों ही वैल्यूज़ के साथ में आते रहेंगे। ठीक है, सो इन्यूमरेट कर लिया हमने इसको बेसिकली। इन्यूमरेट ऑल्सो प्रोवाइड्स द इंडेक्स एज फॉर द इटरेटर, वो इंडेक्स भी देता है और उसकी वैल्यू भी देता है उससे एसोसिएटेड। सो स्कोर देख लिया हमने, हम क्या करते गए, एनपी डॉट सम एंटिटी वायरस मल्टीप्लाइड बाई टू, जितने भी एंटिटी में से माइनस कर दिया वायरस को, और उसको उसकी पावर टू कर दिया हमने। ठीक है, और उसको हम समेशन, उसका सम करते गए उनके जितने भी ऊपर। ठीक है, सो इसी तरीके से उसको अपेंड भी करते गए हम इस कोर्स के अंदर, इसके अंदर अपेंड करते गए। ठीक है, तो जितनी बड़ी पॉपुलेशन थी, फिर बाद में हमने क्या किया, जो भी हमारी साइज आई थी 100 तक, हमने 100 तक जितने भी है उनको शॉर्ट कर लिया। तो हमने पहले तो शॉर्ट किया इस कोर्स को बेस्ड ऑन उसकी इम्यूनिटी के आधार पे, और फिर उसकी साइज हमने निकाल ली, फिर हमने रिटर्न कर दी ये स्कोर वाली। फिर हम ड्रॉ कर रहे हैं, उसके रिडक्शन कर रहे हैं। ड्रॉ में तो हमें पता ही है, सीधा सा हम पॉपुलेशन और वायरस को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर जो भी लिमिट है हमारी स्कैटर कर दिया, ये प्लॉट वाली मतलब मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी से जो पाई प्लॉट लिया था हमने, उसकी वजह से हमने इसको प्लॉट कर दिया। फिर हमने रिडक्शन से मतलब रिड्यूस कर रहे हैं हम, सो साइज 100 तक लेके आना अपनों को, तो फिटेस्ट विल बी सर्वाइव्ड। उसके लिए हमने क्या किया, फिटेस्ट इक्वल टू फिटनेस, फिटनेस वाली इसको कॉल किया हमने, और इसकी मदद से हमें न्यू जो पॉप की पॉपुलेशन जो मिलेगी वो हमें इसकी मदद से, फिटनेस की मदद से मिल जाएगी। फॉर आइटम इन फिटनेस जितने भी हैं उसको हमने इसके अंदर अपेंड करवा दिया, न्यू के अंदर अपेंड करवा दिया, फिटनेस के अंदर जो भी आए। और अब हमने क्या किया, हमने ये जो न्यू पॉप है इसको अरे के अंदर कन्वर्ट करके भेज दिया। अब क्रॉस, हमने क्रॉस ब्रीडिंग करवाई इनकी, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई तो कैसे करवाई, एक पी पॉपुलेशन हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्रॉस ब्रीडिंग करवा रहे हैं ऑफ अ पॉपुलेशन विच विल बी मोर इम्यून टू वायरस देन प्रीवियस। ठीक है, सो वो हमने करवाया, न्यू पॉपुलेशन ली फॉर, और न्यू पॉपुलेशन की भी साइज होगी 1000, और हमने एक पी बनाया और एम बनाया, इसकी जीरो से लेकर मतलब एक पॉपुलेशन बनाई जो कि इसकी लेंथ होगी रैंडम एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंडिट, जीरो से लेकर जो इसकी लेंथ है, इनमें से हम पी निकालते रहेंगे, इसमें से एम में से हम एक एम निकालते रहेंगे जिसको हाइब्रिड मतलब क्रॉस ब्रीड करवाना है। वी आर ओनली कंसिडरिंग हाफ ऑफ ईच विदाउट कंसिडरिंग रैंडम सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन की बजाय हम हाफ ऑफ दिस ले रहे हैं। तो हमने अपेंड करवाया इसका जितने भी वो हैं फीचर्स बने इसके अंदर, और उसके अंदर हमने हाफ ले लिया,
और उसको अपेंड करवा दिया। इसी तरीके से इसके हाफ ले लिया, उसको अपेंड करवा दिया, तो हाफ तो इसके और हाफ इसके, इन दोनों को एंटिटी के अंदर अपेंड करवाया और फिर इसको अपेंड करवा दिया न्यू पॉपुलेशन के अंदर। मतलब मान लीजिए कि ये मेल और फीमेल, उन दोनों में से हमने इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करवाया, हाफ तो गुण इसके आएंगे, हाफ गुण इसके आएंगे, आधे फीचर इसके आधे फीचर इसके, यूँ मान लीजिए कि आधे फीचर इसके आए और आधे फीचर इसके आए, ठीक है। इनके फीचर्स को, इनकी लेंथ को आधा करके हमने दे दिया। एक सेकेंड, मैं इसकी यहाँ ये लगाता हूँ, ठीक है। सो फिर बाद में न्यू पॉप किया अपनों ने और उसको अपेंड करवाते गए अपनों को पॉपुलेशन के अंदर। ये हर एक एंटिटी, मतलब एक इंसान, एक इंसान को अपन पॉपुलेशन में अपेंड करवाते गए, ये 1000 बार चलेगा तो हमारे पास में न्यू पॉपुलेशन आ जाएगी। म्यूटेट ये जो फंक्शन है वो जनरेटिंग एंड एडिंग द रैंडम फीचर्स टू टू दी एंटिटी सो दैट इट लुक्स मोर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसने क्या किया, ये रिटर्न कर रहा है पॉपुलेशन प्लस एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंडिंट -100, 10 से लेकर 10 तक, और जो इसकी वो होनी चाहिए वो 2000 होनी चाहिए, इतने में उसको ले और रीशेप कर दे उसको 1000 से 2 तक के बीच। कंप्लीट साइकिल ऑफ द अबो स्टेप, सो अबो स्टेप की जो कंप्लीट साइकिल है, पॉपुलेट कर रहे हैं हम इतने से इतने के बीच में और साइज है ये, ठीक है। पॉपुलेट कर रहे हैं अपन, फिर डिफाइन कर रहे हैं साइकिल, अगेन साइकिल को डिफाइन किया अपनों ने, और इसके अंदर हमने ये एक चला दिया जनरेशन 1 2 3, इसके आधार पे हमने जनरेशन चला दी। सो बाय डिफॉल्ट जनरेशन अपन 1 दे रहे हैं, लेकिन मैं एक एक तरीके से इसके लिए फोर लूप लगा देता हूँ, 3 जनरेशन कर देता हूँ, 4 i int range 3 जनरेशन करता हूँ मैं, ठीक है। फिर बाद में इसको बाय डिफॉल्ट नहीं रखता हूँ, इसको मैं चेंज करवाना चाहता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर i की वैल्यू मैं दे देता हूँ, फिर बाद में मैं प्रो भी कर लेता हूँ इसको। अच्छा, यहाँ पर ड्रॉ के अंदर मैंने ये नहीं दिया था, यहाँ पर लिख देता हूँ आई, और यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ जनरेशन मैं इसको अब रन करवा दूंगा। ये क्या कह रहा है, कह रहा है इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ टैब्स। अच्छा, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ टैब्स कर दिया। एक बार कमेंट आउट करके देख, इसको मैं डाल देता हूँ जो ऐसे ही इसके अंदर ये वैल्यू होती है। अब देखता हूँ यहाँ पर भी आई की जरूरत है। अगला नहीं आया, इसको आना चाहिए था, एक रेंज में चल रहा था तो बार बार पॉपुलेशन दिखानी चाहिए इसको। क्या दिक्कत आ रही है, वेट करना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है समझ नहीं आ रहा। क्योंकि रेंज जो है वो तो हर बार ड्रॉ कर रहा है इस वायरस को भी, और जो साइकिल चलती जा रही है।
मेरे को लग रहा है कि पॉपुलेशन है वो अपडेट होनी चाहिए हर बार। मुझे एक बार प्रिंट करवा देता यहाँ पर। आई गो नहीं, इसको असल में ये करना चाहिए था कि हर बार यह है। अच्छा, इसको सेपरेटली कर देते हैं, पर सेपरेट कर देते हैं इसको। यहाँ पर इसको अपन कर देते हैं कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी। तो यहाँ पर दे देते हैं फर्स्ट, यहाँ पर दे देते हैं सेकंड, यहाँ पर दे देते हैं थर्ड। अब करके देखते हैं। अच्छा, ये थर्ड में तो ये तो लास्ट वाला दिखा रहा है। कमेंट आउट करते हैं एक्स को, कंट्रोल प्लस एक्स। पहले वाले के अंदर ये आ गया, ठीक है। फिर मैंने ये लगाया, इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल प्लस एक्स। दूसरे वाले के अंदर ये ओ डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया। अगली जनरेशन में और कंसेंट्रेटेड आ गया। लेकिन ये यहाँ पर भी ड्रॉ करना चाहिए था, यहाँ दिक्कत क्यों आ रहा है? ओके, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैंने एक बार इसको यहाँ पर प्रिंट करवाया, फिर इसके लिए मैंने एक और सेल खोल लिया, ठीक है, सेल खोल करके। और फिर बाद में यहाँ पर मैंने इसको फिर से किया, तो ये और कंसंट्रेटेड हो गया, ठीक है। फिर ये जो पॉपुलेशन है वो और कंसंट्रेटेड हो गया यहाँ पर, इस जगह पर। तो ये अपना वो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। जनरेशन वन है, ये जनरेशन टू है, ये जनरेशन थ्री है। तो फिर से हम पूरे कोड को रन करवाता हूँ, ठीक है। ये जनरेशन फर्स्ट जनरेशन आ गई, यहाँ पर अपनी ये सेकंड जनरेशन आ गई, ये थर्ड जनरेशन आ गई। इस तरीके से जनरेशन, ये देखिए ज़्यादा स्कैटर्ड है जनरेशन, यहाँ पर और इम्यून हो गई, यहाँ पर और इम्यून हो गई। तो मान लीजिए कि ये जो रेड है इसके पास वाली इम्यून है, जैसे जैसे वो रेड के पास में ज़्यादा आ रही हो, ज़्यादा इम्यून है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।